पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। बैठक में बीजेपी विधायक सांसद मौजूद हैं और बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक इस वक्त जारी है बीजेपी की। पटना में ही ये बैठक हो रही है और बीजेपी बैठक की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बीजेपी के प्रभारी तावड़े भी बैठक में मौजूद हैं और बैठक में बीजेपी विधायक सांसद भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे बिहार से हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रभारी तावड़े भी बैठक में शामिल हैं और तमाम बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी देखे जा सकते हैं। रवि, क्या जानकारी पटना से इस वक्त, क्या खबर? और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगभग आधे घंटे पहले ये मीटिंग शुरू हुई थी। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, हालांकि आपने तस्वीरों में देखा होगा कि तमाम नेताओं को बैठे हुए, ये सामने हॉल है, ये जो हॉल बड़ा हॉल है इसी में मीटिंग चल रही है और लगभग 150 से 200 के आसपास नेता इसमें मौजूद हैं, जिसमें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं, साथ साथ पार्टी के सीनियर नेता भी हैं। क्योंकि इसमें केवल सांसद और विधायक नहीं है, सभी नेताओं को बुलाया गया है। कार्य समिति कहा जा रहा है, इसका नाम दिया जा रहा है। हालांकि विधायक दल की बैठक कल सुबह होने वाली है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल सारे नेताओं को बुलाकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक मैसेज देना है कि आलाकमान ने क्या मैसेज दिया है, क्या तय किया गया है ऊपर से। क्योंकि बीच में कल परसों दो दिन में देखिए बिहार के नेता दिल्ली गए थे, अमित शाह से लगातार मीटिंग हुई है, जेपी नड्डा से मीटिंग हुई है, बीएल संतोष से मीटिंग हुई है। तो उस मीटिंग में आखिर क्या क्या चीजें तय हुई है उसकी जानकारी इन सब नेताओं को देना है। एक लाइन भी तय करना है कि किस लाइन पर चलना है, क्योंकि नए गठबंधन में जा रहे हैं आप। जो अलायंस आप पहले था उसको तोड़ा था आपने पहले, अब उसी अलायंस के साथ फिर जा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे, तो उसमें क्या लाइन लेना है, पार्टी लाइन। सारे प्रवक्ताओं को भी ब्रीफ किया जा रहा है कि आपको किस लाइन पर चलना है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, सावधानी से बोलना है। अभी भी कोई खुल के नहीं बोल रहा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं। देखिए 7 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि जाएंगे, इस्तीफा देंगे, कल 12:15 के आसपास शपथ ग्रहण करेंगे, समय बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई प्रवक्ता बीजेपी का भी खुल के नहीं बोल रहा है कि ये चीजें तय हो गई है, क्योंकि जो जानकारी होगी सटीक जानकारी दी जाएगी जब होने के बाद ही। उससे नंबर गेम बिगड़ता नजर आ रहा है, क्या जानकारी? क्योंकि आरजेडी की अगर हम बात करें तो वो भी उनकी तरफ से दावा यह किया गया कि जेडीयू के कुछ विधायक उनके कॉन्टेक्ट में है, संपर्क में है। इधर आज कांग्रेस की जो मीटिंग पूर्णिया में चल रही थी तो खबर यह भी सामने आता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक फोन ही नहीं उठा रहे हैं, पहुंचे ही नहीं है मीटिंग में। यह नंबर गेम का पूरा मामला है क्या, इसी वजह से अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो पाया है? नहीं, देखिए नंबर गेम में अभी चाहे तो अगर कांग्रेस के विधायकों का फोन नहीं लग रहा है और जेडीयू के विधायकों का फोन नहीं लग रहा है तो लगभग संख्या दोनों की बराबर की बताई जा रही है। वो भी 11 से 12 का दावा कर रहे हैं, ये भी 11 से 12 का दावा कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में भी बहुमत एनडीए गठबंधन के साथ ही रहने वाला है। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है, राज्यपाल के पास जो चिट्ठी जाएगी उसमें कितने विधायकों के समर्थन का दावा नीतीश कुमार करते हैं वो देखने वाली बात होगी। और आरजेडी अगर अपनी तरफ से दावा पेश करती है तो उसको भी अपने समर्थन का दावा करना पड़ेगा कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, ये बताना पड़ता है। देखिए दो मैंने कहा था कि दो स्टेट इसका एग्जाम्पल है, हाल में जहां जहां ये घटनाएं हुई है, चाहे महाराष्ट्र की घटना देख लीजिए, चाहे कर्नाटक की घटना देख लीजिए, कि बिना बहुमत के आपने सरकार बनाई और पटल पे जाकर विधानसभा के पटल पर वो सरकार गिर गई, येदुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा, वहां मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा महाराष्ट्र में, जो मुख्यमंत्री का शपथ लिया था उन्होंने, ऐसी स्थिति नहीं बने इसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहां अभी लग रहा है कि सब कुछ कंफर्टेबल है, अगर जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा इस वक्त हम देख सकते हैं आपके पीछे, क्योंकि वहां आप मौजूद हैं जहां पर बैठक भी चल रही थी बीजेपी की, ये कोर ग्रुप की जो लीडर्स है वो नजर आ रहे हैं। यानी कि हर किसी के मन में बस यही है कि आखिरकार होने क्या वाला है, पार्टी आला कमान की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है और तमाम पार्टी के वर्कर्स हैं, ये अलग अलग जगह से तमाम लोग आए हुए हैं। देखिए पूरे प्रदेश से लोग आए होंगे, कुछ नेताओं के साथ आए होंगे, कुछ लोग पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, और सबको उम्मीद जगती है जब सरकार बनती है तो सबको कुछ ना कुछ मिलता है। देखिए कोई पोस्ट किसी को मिलेगा, किसी को ऐसा हो सकता है कि कुछ काम करवाना हो तो उसका काम हो जाएगा क्योंकि सरकार अपनी मानी जाती है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। सरकार बनते ही ये उत्साह बढ़ता है और सरकार जब जाती है तो ये उत्साह खत्म होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार बनने का ये उत्साह है। नेताओं के साथ तो आए ही हैं, खाली मीटिंग के लिए नहीं आए, नॉर्मल अगर मीटिंग होती लोकसभा की तो इस तरह का उत्साह देखने को नहीं मिलता, ये सरकार बनने का उत्साह है और सरकार बनकर लोकसभा चुनाव में 40 सीट जीतने को कुछ महीने पहले भी देखी थी जब रातों रात सत्ता परिवर्तन हो गया था बिहार में, बीजेपी का दामन छोड़कर के आरजेडी के साथ चले गए थे नीतीश कुमार। हमारे साथ प्रशांत झा भी जुड़ चुके हैं, लगातार सुबह से ही हर खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े वहां मौजूद है। अंकुर, आरजेडी खेमे से क्या खबर, तेजस्वी
यादव का ये जो बयान सामने आया था कि इतनी आसानी से यहां सत्ता परिवर्तन तख्ता पलट तो हम नहीं होने देंगे, इसके पीछे की वजह क्या? इतने कॉन्फिडेंट नजर कैसे आ रहे हैं तेजस्वी यादव या आरजेडी? देखिए, तेजस्वी यादव के सामने परेशानी यह है कि अब वो अपने यहाँ से कैडर जो है उनका, जो उनके मंत्री रहे हैं या उनका जो विधायक रहे हैं या उनका आने वाले 2024 के इलेक्शंस को लेकर उनका मोराल कहीं भी डाउन नहीं करना चाहते हैं। वो उनको अभी भी मोटिवेट करना चाहते हैं कि यहाँ से भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, अभी भी खेल हो सकता है। निराश कोई होता है तो पार्टी का कार्यकर्ता होता है या लीडर्स होते हैं। मंत्री इस चीज को बखूबी जानते समझते हैं।